और ये देखिए इसमें चावल चढ़ा हुआ है और दाल हम लोग का बन चुका है। देखिए दाल बन के ये पापड़ है, तिलौरी हम लोग इसको बोलते हैं। और ये फूफी जो कच्चा वाला फूफी होता है ना, ये देखिए ये देखिए कैसे हो रहा है दोस्तों। ये देखिए ये देखिए ये तुरंत हो जा रहा है। खाना निकल चुका है मेरा भी, फोटो खींच। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है मेरे को नए ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और दोस्तों अभी सुबह का बज रहा है 8 और फोटो देखिए चाय पी लिया है और बिस्कुट खा रहा है। बोलो इधर दिखाओ, बोलो कैसे हैं आप लोग, बोलो बोल रहा कैसे हैं आपके लोग। तो दोस्तों अभी मुझे जाना है काम पे और ये देखिए बाहर यहाँ छत पे ही खाना बन रहा है। गैस लगभग में ख़त्म हो चुका है दोस्तों, हम लोग तो चूल्हे पे ही खाना बना रही है। और अब ज़्यादा ठंड भी नहीं है और धूप आने लग गया है, अब तो ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। तो ऊपर में ही देखिए सब चीज़ बना रही है। ये देखिए दाल भात चोखा बना रहे, दाल भात चोखा बन रहा है दोस्तों हम लोगों का। और ये देखिए इसमें चावल चढ़ा हुआ है और दाल हम लोग का बन चुका है। देखिए दाल बन के रेडी है और ये चोखा उसमें क्या है, कहाँ पे वो उसमें बीच वाले में इसमें थोड़ा चाय है, इसमें चाय रखा हुआ है थोड़ा सा। और दोस्तों इसमें चावल है, ये देखिए अभी तक हुआ भी नहीं है चोखा। और दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पे दो दो चूल्हा है, तो इस पे दोस्तों है कि इसमें मछली बनता है बस, और उस पर मछली नहीं बनता है क्योंकि मेरी मम्मी है तो वो उनको ना मतलब कि वो मछली नहीं खाती है, तो वो बगल उस साइड वाले में हम लोग भी उस साइड वाले में बनाते क्योंकि ये देखिए मांस वाला नहीं है, मांस वाला इसका बर्तन अलग है तो इस पर मछली बनता है तभी यूज होता है। अंदर भी दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि दो चूल्हा है, उधर वाले चूल्हे में क्या बोलते हैं उधर वाले चूल्हे में भी वो सब्जी वब्जी बनता है दाल चावल, इधर वाले में सिर्फ मछली बनता है। ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये पापड़ है, तिलौरी हम लोग इसको बोलते हैं। और ये फूफी जो कच्चा वाला फूफी होता है ना, ये फूफी है और ये पापड़ है। चोखा भून, और दोस्तों चोखा बनाने के लिए ये प्याज काट रही है, देखिए ये मिर्ची हरी मिर्ची, ये मिर्ची हरी थी और ये लाल हो गया मिर्ची, तो देखिए इसको काट रही है, इसको चोखा में डालेगी, भूनेगी चोखा को। ये देखिए उसको देखो, उसको ड्रामा कर दे, उसको देखिए वो पहुंच नहीं रहा है यहाँ से वो देखने के लिए, तो कुर्सी अपना ये कुर्सी खरीद दिया था इसका मामा, उसी पे अपना मजे मजे कर रहा है। देखिए और उधर देख रहा है अमदूर, देख रहा है देख वो देखिए क्या दे, अमदूर का पेड़ है ना, ये मेरे चाचा जी का है, अमदूर का पेड़ है, उसी में देखता रहता है कहाँ अमदूर है, तो वही तोड़ने के चक्कर में रहते हैं। इसे तेरे से टूटेगा अमदूर, टूटेगा तेरे। ये देखिए दोस्तों चावल ऊपर फेंकने लग गया था इसका। दोस्तों यही एक दिक्कत है, अगर चूल्हे पे खाना बनता है ना तो ये देखिए काला काला लग जाता है, ये स्याही, और गैस पे लगता नहीं है, लेकिन खाना इस पे टेस्टी होता है। ये देखिए प्याज किस हिसाब से काट रही है, देखिए मिर्ची लंबा लंबा, छोटा मिर्ची। देखिए दोस्तों बर्तन खाली नहीं था तो चाय गर्म करने का टेक्निक देखिए इसका, बोलो उनको खाली है वो धो दिया अभी। ये देखिए दोस्तों चावल कैसे कूद रहा है, कूद रहा नाच रहा। और देखिए प्याज भी कट के रेडी हो चुका है लंबा लंबा, प्याज पता है कि 25 रुपए दल के लिए छोटका प्याज। चावल पक चुका है, चावल पक हो गया रेडी। और ये देखिए चावल को पानी पसाने जा रही है, ये देखिए इसमें दूध उबलेगी और ये देखिए इसमें पानी है चावल में, देखिए दूध जैसा लग रहा है, तो ये पानी निकालेगी भी खाली चावल बचेगा, देखिए इसमें दूध रखा हुआ है। वीडियो बने रही है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों पानी कैसे निकाल रही है चावल से। ये देखिए दूध, क्या लीटर वाला, रसगुल्ला
ये देखिए हमारा दूध थोड़ी है, दूसरा कोई का दूध है। दोस्तों ये हमारे चाचा जी का दूध है, वो गए हैं काम पे और उनकी जो लड़की है छोटी सी है वही लोग पीती है, तो अभी वो लोग है नहीं, कहीं गई हुई है तो आएगी दोपहर तक में, इसलिए गर्म करके रख देती है ताकि बच्चे आएंगे तो पियेंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ चावल से पानी कैसे निकालते हैं। देखिए कुकर में दोस्तों ऐसे ही बन जाता है चावल, लेकिन इसमें पसाना पड़ता है चावल। देखिए ये देखिए पानी निकल रहा है चावल से। चलिए दोस्तों चावल से पानी भी पसा दिया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चावल और दूध भी इधर गर्म हो चुका है, अभी तो दूध ही ऊपर आता। ये देखिए छोटू को देखिए, और ये देखिए दोस्तों चावल हम लोगों के गांव में कैसे ही बनता है दक्षी में चावल अच्छा में। आप लोग इधर दोस्तों कुकर में बनता है, आप लोग बनाते हो कुकर में जो भी हो, हम लोग बिहार में जो भी है कि इसी में दक्षिण में ही खाना बनता है। और ये क्या बोल रहा पता है, ये बोल रहा है कि हमारा छोटू के देखिए, और देखिए अमदूर दिखा रहे हैं आप लोग। चलिए बने रहिए वीडियो में, अभी और दिखाते हैं। अब इसको धोएगी इसमें पता नहीं अब क्या करेगी, चोखा भुनेगी। और ये दोस्तों पापड़ ये भी भुनेगी, चलिए बने रहिए दिखाता हूँ आपको भी। ये देखिए दोस्तों सरसों का तेल, इसमें तेल डाल चुकी है और ये तेल गर्म होगा, पहले चोखा भुनो। ना जा इतने से देखिए तेल में पापड़ भुनेगी, अब थोड़ा ज़्यादा डालें दोस्तों, थोड़ा तेल गर्म होगा, काम का भी टाइम हो रहा है मेरे को जाना पड़ेगा दोस्तों, अभी तक खाना भी नहीं बना है, 8:30 बज गया, 9 बजे जाना है मेरे को। और ये देखिए ये 10 रुपये का पैकेट है दोस्तों पापड़, हमारे गांव में 6 पापड़ 6 कोई बात नहीं 10 रुपये। हाँ ये देखिए कैसे हो रहा है दोस्तों, ये देखिए ये देखिए ये तुरंत हो जा रहा है, अरे बाप रे ये देख। ये देखिए वो रेडी बन गया जो पापा सारा, देखिए एक ही बार में भून लिया। रेडी है देखिए दोस्तों कैसे फटाफट हो गया। और ये क्या बोल रहा है, मैं बोलता हूँ ना कि हमारे छोटू को देखिए, ये भी बोल रहा है हमारा छोटू को देखिए, हमारे छोटू को देखिए, देखिए इसको चाय पिया बिस्किट खाया मुंह गंदा ही है। और ये देखिए इसको हम लोग तिलौड़ी बोलते हैं गाँव में, ये नहीं फूलेगा दोस्तों देखिए। ये देखिए अभी थोड़ा और है, अगर ऐसा जाने तो मारे क्या करिए काम भाई अर्जुन दादा, वो हैरान नहीं करेगा तो चाहिए। ये देखिए दोस्तों ऑयल देखिए इतना गर्म हो चुका है कि धुआं निकल रहा है। और ये देखिए कॉफी, कॉफी भी है। ये पापड़ दोस्तों दादी के लिए है, ये दादी खा पाती है, वो ज़्यादा हार्ड है इसलिए खा ले। वो देखिए जल गया जल गया जल गया, देखिए दोस्तों इतना जल गर्म हो गया कि आँच को बाहर निकालना पड़ेगा, जल गया ये देखिए फिर जल गया। देखिए काला हो गया, अभी रुक जाओ थोड़ा, हो गया दोस्तों रेडी, भून के हो गया रेडी।
अब मैं भी फटाफट खाना खाऊंगा और जाऊंगा काम पे। चोखा भी बुनोगे? हैं, चोखा भी बुनेगी देखिए इसी में, ये देखिए। चलिए दोस्तों इसमें से खा के देखते हैं कैसा लगता है। करारा हुआ नहीं है ये, इसमें दोस्तों थोड़ा धूप लगता सूख जाता ना, एकदम अच्छा लगता है। ये भी लेने जा रहा है, ये देखिए दोस्तों ये भी डाल चुके हैं। अब इसमें नमक डालो, नमक डाल के पहले मिला लिया, इसको भूनेगी बस ऐसे। ये भी हो गया रेडी, ऐसा ही है बस, हल्का भूने ही बात करें। चलिए दोस्तों ये हो गया, खाएंगे खाना, खाने फटाफट काम पे जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो। ये देखिए दोस्तों चोखा हो गया, चलिए खाना खाते हैं। दोस्तों मेरा भी खाना निकल चुका है और ये देखिए मेरा खाना, और छोटू भी खाने के लिए रेडी है। ये देखिए मेरा खाना कैसा है, ये देखिए खाना निकल चुका है मेरा भी। रुका फोटो भी, तो चलिए दोस्तों फटाफट खाते हैं, जाएंगे काम पे, टाइम नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने छोटे भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग में, उम्मीद है मुझे कि आपको ब्लॉग जरूर पसंद आएगा दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।